के बाद तीन चीजें जो काम आती हैं मरने वाले के लिए। हदीस देखते हैं, तिरमिजी की रिवायत है, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के, एक सदक़तुल जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाए, और तीसरा नेक व साले औलाद जिससे कि जो इनके वालदेन या जो भी डिसीज्ड है उनके लिए दुआ करें। ये तिरमिजी की रिवायत है और ये हदीस हसन और सही है। हदीस के अल्फाज देखते हैं, अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, इज़ा मातु इंसानु, इज़ा मतलब जब, माता मतलब मौत से है, जब मर जाए इंसान, इनकता, इनकता खता से है ना, मुनकते हो जाना, अबैंडन हो जाना, ख़त्म हो जाना, अमल हो, अमल क्या है, जैसे ही इंसान मर गया अमल मुनकते हो जाता, इल्ला, अब यहाँ पर इल्लत है, मगर क्या, मिन सलासिन, तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, सदक़तुल जारिया। सदक़तुल जारिया में क्या है, ये वास्ट है, आप समझिए कि आप जो इंसान गुजर गया उसके नाम से आप चैरिटी कर रहे हैं या कोई भी नेकी का अमल कर रहे हैं उसके लिए, या मस्जिद बना दिए और उसके लिए, या यही सोचे कि जो इंसान गुजर गया, बहुत सारे लोग अपना माल मता भी छोड़ के जाते हैं और बोलते हैं कि इससे ये चीज़ कर दो, और या खुद उन वो सदक़तुल जारिया इस तरह से भी हो सकता है कि वो वाटर पंप लगा दिए, या कोई ऐसा खैर का काम, या कोई ऐसा झाड़ लगा दिए थे और उससे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उसका फ्रूट भी खा रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ होती। वह इल्म युन तफा, जो इल्म ऐसा नफामंद, जो फ़ायदेमंद इल्म है उससे, मतलब जो भी वो सिखा के गए, कुरानिक नॉलेज है, हदीस है, जो भी वो इल्म सिखा के गए और उससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और वलदुन सालिहन, जो औलाद, उनकी साले औलाद जो उनके लिए यदउलह, उनके लिए दुआ करे, तो ये तीन चीज़ें काम आने वाले हैं। देखिए दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, लेकिन हम कोशिश करना चाहिए कि सदक़तुल जारिया हम क्या करके जा रहे हैं, वह इल्मुन युन्तफा, कोई नाफे इल्म, और वलदुन साले, औलादों को हम इतना सिखाना चाहिए कि वो हाथ उठा के दुआ करे, और स्पेशली जो दुआएं हैं डिसीज के लिए वो दुआएं भी हम सिखाना चाहिए, और बच्चों को सही अकीदे ईमान की तरबियत देना चाहिए ताकि वो साले औलाद हो और वो दुआ करे। जजाकल्ला खैरन कसीरा, सुभानकल्ला बिहम्दिका, नशहदुल्ला।